गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई रात को इतनी बारिश हुई, देखो पूरी गाड़ी गंदी हो गई है, मिट्टी मिट्टी में। देखो तो भाई लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आए थे जयपुर शादी अटेंड करने के लिए। फिलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ, तो पापा जी भी तैयार हो चुके हैं यहाँ इस टाइम पे। अब तक चलेंगे, बस चल रहे हैं, निकल रहे हैं। और पहले कहाँ जाएंगे? पहले सीधे शादी में चले या गांव चले? गांव चले। पहले हम लोग जाएंगे गांव, फिर उसके बाद चलेंगे, उसके बाद शादी में कचोड़े। तो फिलहाल मयंक भी आ गया, मयंक भी हो गया तैयार, और हम तीनों हो गए तैयार, मैं, मयंक और पापा जी, और उधर बड़े बाबू जी तैयार हो गए, बस चाचू जी तैयार हो रहे हैं, और फिर उसके बाद निकलते हैं। तो हम आ गए चाचू के घर पे, और चाचू जी तैयार हो गए हैं, जूते भी नहीं पहने आपने, और बड़े बाबू जी तैयार हो गए, फटाफट से बैग वैग रखते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पहले अपने गांव, और अपने गांव का व्लॉग मैं तेरी आराम से भाई अपने गांव का व्लॉग मैं पहले बना चुका हूँ, मैं फिर भी वापस दिखा दूंगा। पहुंच गए अपने गांव, ये अभी उतारते हैं, ये अपना घर। और देखो गांव में क्या तरक्की हो रही है, सामने की देख रही हवेली, बोलो हर चीज की फैसिलिटी हो रही है। एक हवेली देख लगी, कितनी बड़ी बना दी भाई लोगों ने, अलग ही चल रहा भाई। गाँव में आके ना एक अलग ही फील आती, पता नहीं क्यों रिफ्रेश हो जाता पूरा शरीर, मजा आता है। बाकी सबसे भाई यहाँ पे रहता कोई है नहीं, पहले यहाँ पे ना अपनी वो बांधते थे, क्या ना क्या कहते हैं उसको यार, वो बकरी, तो अभी बंद कर दिया ये तो। और बाकी ये सारे हमारे तीन कमरे, ये एक दो और ये तीन, और अपने ऊपर एक छत, और ये कचौड़ी लिया था खाने पीने के लिए। ये देखो ये छिपकली दिख रही है, ये छिपकली कितनी सारी, ये इनके काम है सारे, ये बोलो पूरा घर गंदा कर दिया हमारा, अंदर पूरे कमरे में पोटी पोटी भर रखी है इसको। बाकी तुम आ जाओ ऊपर अपनी, अब छत पे लेके चलता हूँ। वैसे तो इस वीडियो के एंड में ना मैं डाल दूंगा जहाँ पे मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था ना गाँव का, उसमें देख लेना। ये देखो ये रही अपनी छत पे, पहले से तो काफ़ी साफ सुथरी हो गई, अब ठीक है, ये मोर वगैरह खराब नहीं करे, इस पोटी वगैरह कर जाते यार यहाँ पे, ए करी दीजिए। देखो ये रही, अबे यार छी भाई ये हवेली देख के तो मैं पागल ही हो गया भाई, क्या बना दिया गांव के अंदर है बोलो। बाकी सारी की सारी बाउंड्री के ऊपर ना ये हमने ऐसे बना रखा है, इसमें पानी इकट्ठा होता है बारिश का, ये हम खुद भी रख दें इसके पक्षी वगैरह के लिए, पक्षी के लिए, मोर के लिए। ये देखो इस पर एक ये बना हुआ है, ये रहा ना पुराने ज़माने का भाई, सारा का सारा उसी टाइम का बना हुआ है सब, पता नहीं कितने साल हो गए इस घर को। तो यार अब बकरी वगैरह हम यहाँ सामने बांधते हैं, यहाँ पे ये बंदी हुई ना पेड़ के पास, ये रही यहाँ बनते, पहले वहाँ बनते थे जहाँ पे भी दिखाते थे, पहले जहाँ पे बंद कर दिया। अभी मैं और मयंक यहाँ पे खा रहे हैं कचौड़ी, तो कचौड़ी में यहाँ पे गांव में भाई यही मिलती है कड़ी वाली, शहर में मिलती है ना आलू की सब्जी वाली, यहाँ पे सिर्फ कड़ी वाली मिलती है। अल्लाह इससे मिल लो रे, इसका नाम है धोली, के नाम है इधर आओ, इधर ओ धोली कहीं खा ले हो इधर, ए ए यो देख के दोरे जाऊं तो बगे आयो ए अब तो सुन दे तेरी, ये ना सुने भाई, ओ किधर भग रहा हो रे तेरी, क्या फंस गया मेरे में, अरे कांटा फंस गया ये, एक मिनट भाई अब पैंट फाड़ देगा ये, सुन अरे सुन तो सही दे तेरी, सुने ना तू इधर 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 मस्त लग रही है छोटी सी इधर अब मत भगियो तेरी इसी कुद्दी अरे भगे तो तेज लो भाई पकड़ ले तुम्हारे भाई ने फाइनली इसको, तो तेरी कुद्दी चमका दूं क्या, या तो भगरी थी ये, बताओ लेके आओगे दिल्ली इसको, हिमांशु ले जाऊं क्या, ले जाऊं मस्त लग रही है ना सफेद सफेद रंग की, कहाँ भगेगी तू, और भाई जी सामने वाला घर बताया था ना मैंने, ये जो हवेली है ये है सरपंच की, और सरपंच है तो भाई घर बढ़ाओ जब तो हवाबाजी होगी। और जी ये सामने वाले मकान किसके हैं वाले, ये राइट वाला, ये भी ताऊ जी का, अच्छा ये वो कौन है रामचंद्र खर्रा वहाँ पे लिख रहा है उसको सीधा में रखे ना ये वाले, कौन सा, अच्छा ये वाले येलो वाले, अच्छा तो ये देखने नहीं आते घर पर को, तो फिर आते कैसे होंगे, तो हमारे घर की मतलब सामने चाबी लेके आते होंगे, अच्छा अच्छा
और ये वाला, ये किसका, ये वाला ये लड्डू दास जी का, वो नहीं आते, आते हैं कभी कभार आते हैं भाई, ज्यादा तो भाई ये वाले दोनों घर बंदी पड़े रहते हैं, वो लोग कम आते हैं वहाँ से। उससे बाहर हुई ना भाई कल से जयपुर में, तो भाई सारा का सारा मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, हर जगह जयपुर में पूरे राजस्थान में बिल्कुल ठंड ठंड हो गई, बिल्कुल साफ मौसम हो गया, बिल्कुल नीला आसमान, सुबह से धूप नहीं आ रही सुबह। अभी मैं मयंक, अपना मयंक, एक छोटे वाला मयंक आई है, चाचू जी और पापा जी अभी जा रहे हैं हम लोग अपने खेत देखने के लिए। तुम लोगों को भी दिखाता हूँ हमारे खेत है भाई, जिसको ना पता हो बता दो। जैसे ये पौधा दिख रहा तुम्हें सामने, ये तुम्हें झाड़ू नहीं दिखती घर में, हम झाड़ू मारते हैं वाली, वो फूल झाड़ू जो मारते हैं इससे बनती है इस वाले से। तो गाइस आ गए अपने खेत में, ये देखो यहाँ से सामने मेन रोड जा रही है, और यहाँ से मैं उंगली लगा रहा हूँ जहाँ से बाउंड्री देखो दिख रही, यहाँ से दिख रही है, और ये दिख रहा सब ये खंभे लगे हुए यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये यहाँ से ये दिख रहा है जहाँ तक मेन रोड यहाँ ख़त्म होती है, ये अपना पूरा है। वीडियो में बड़ा लग रहा है क्योंकि बड़ा है भाई यही है, ये मतलब पूरा ही है जितना मैंने बताया ना, जहाँ से उंगली मैंने चालू करी वहाँ से वहाँ तक ये अपना पूरा है, जहाँ से तुम्हें पूरा ये हरे रंग पौधे दिख रहे हैं ना, और सामने ये दिख रही है सामने बाउंड्री, जैसा भी मैंने बताया ये दिख रही है ना बाउंड्री, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये अपना है पूरा सारा का सारा आ गया था। वैसे तो अभी कुछ दे नहीं रखा हमने खेती बाड़ी के लिए, अभी तो बस बंजर हो रखा है, देखते हैं बाद में आने वाले टाइम में कभी देंगे नहीं देंगे। बाकी तुम्हें अब अपना एक हमारा वो दिखा देता हूँ, कुआं, हमारा कुआं जिसके अंदर बड़े बाबू जी वगैरह सबका नाम लिखा रखा, अभी दिखाता हूँ आ जाओ। ये अभी थोड़ा बच के चलना पड़ रहा है यहाँ पे, ये जंगली पौधे लगे हुए कहीं में काटे हैं इसलिए बच के चल रहे भाई। ये रहा, ये अपना कुआं सामने दिख रहा है, अभी दिखाता हूँ पास से, ये देखो भाई ये आ गए अपने कुएं पे, ये देखो वैसे तो पूरे भी खाली पड़ा है, ये भी वही है या मोर वगैरह के लिए पानी भर के रखने के लिए। देखो पहले पानी था इसके अंदर, देखो कितना नीचे तक है, अब तो कबाड़ा भरा पड़ा है, खाली हो गया, सूख गया बिल्कुल पूरा, पहले था इसके अंदर, और अंदर से मार्बल का बना हुआ जैसे दिख रहा है ना, वैसे तो अब जंग वगैरह मतलब बिल्कुल टूट फूट सा गया, कोई भी पानी तो है नहीं अब इसके अंदर, वरना पहले मोटर वगैरह थी इसके अंदर, ये पूरे इसको देते थे यहाँ पे पानी। देखो ये लिखे हैं सारे के सारे नाम, ये बड़े पापा जी के मतलब पापा के, इतना तो मैं नाम वगैरह जानता नहीं, बस ये नाम लिख रखा है जिन जिन का ये कुआं है भाई। जो कुएं पे जो नाम दिखे थे ना ये सारे हैं बड़े पापा जी के, पापा के भाई के नाम, ये सारे के सारे। अब यहाँ का व्यू देख लो भाई पास से, क्या डिज़ाइन बनाया ना भाई, मस्त लग रहा है भाई। सरपंच का घर तो सरपंच का ही होता भाई, बात तो है भाई। हम ना यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करने के लिए थे, रुकने आए थे अपने गाँव को देखने के लिए, अब चलते हैं फटाफट शादी में। टाइम मिकाल से उन्होंने बताया 2-3 बजे के आसपास, 2 तो वैसे ही बच चुके हैं। पहुंच गए फाइनली, और ये रहा सामने टेंट लगा हुआ, अभी इसे तैयारी वगैरह चल रही है, ये लगा यहाँ पे स्टेज, बाकी यहाँ पे दरी वगैरह बिछी हुई है, और सारी सारी कुर्सी लगी हुई है, इस तरफ पे खाने का लगा हुआ है सामने से, यहाँ से एंट्रेंस है, और गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी हमने। A few moments later. भाई गांव वाले कहने वजह की बात ही अलग है भाई, क्या नाचते हैं लोग यार, मजा ही आ गया इसमें तो। मेरा गाना ही पता कौन सा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है सारे के सारे राजस्थानी गाने हैं ये भाई। हम लोग को ज्यादा जल्दी आ गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं है, देखो सारा का सारा खाली पड़ा है। तो गाइस मंच पे आ चुके हैं, हेलो बोलो भाई सबको, हेलो गाइस, हेलो। तो भाई ये आई है पालक के पकौड़ी, और ये इसको कहते हो, ये पीले रंग का क्या है, केसर बाटी, केसर बाटी सब पता है इसको। एक हिमांशु, एक हिमांशु पेल रहे हैं, एक ये बड़े वाला मैंग पेल रहा है, एक छोटा वाला पेल रहा है, एक मैं पेल रहा हूँ भाई। पकौड़े के बाद अब चारों पांच पेल रहे हैं चाय। भाई ये देखो, ये हिमांशु मैंने कौन से जमाने के नोट रख रखे हैं इसके अंदर, देखा कौन कौन से, एक है 50 का, ये 1 का, ये देखो अबे साल कौन सा है, साल देखना है इसका, देखो पीछे लिखा हुआ, पीछे लिखा ही नहीं गया 1991 का है। और ये 10 वाला मैं तो, अबे मैं तो देखे भी नहीं है पहले नोट, ये बाहर का तो नहीं है, दुबई का, दुबई वाले लग रहे हैं, बल्कि ये वाले ज़्यादा मस्त लग रहे हैं आज वाले से। ये कब का है, ये 10 का नोट भाई, देखो ये वाला, ये डेट का है, इसकी डेट ही नहीं लिखी, ये फेक नोट है क्या, डेट ही नहीं है। ओ भाई ये देखो 50 का, ये आपको दिए किसने, ये तो बताओ पहले, इकट्ठे कर रखे मेरे कुछ काफी टाइम से शुरू से,
ये आपकी पॉकेट मनी तो नहीं लग रही है फूफा जी से लेते थे पहले? 50 का नोट है देखो ये आगे से, ये और पीछे से ऐसे, और कौन सा बचा? ये 100 का। ये मुसलमानी भाषा कैसे पड़ी है, समझ नहीं आ रहा। सारी है, इंग्लिश भी है। अच्छा ये इंग्लिश, मुसलमानी, हिंदी सब लिखी है। और पीछे से ऐसे है। ओ भाई काम तो आ गया गाइस। ये भी 100 का है, ये अलग है थोड़ा सा, रंग अलग है इसका। ये देखो ये भी 100 का है। ये कौन से साल का होगा पता नहीं, डेट नहीं लिखी इसके पीछे यार, बस एक ही नोट के पीछे लिखी हुई थी काफी टाइम से। भाई देखो एक नोट और मिला है, ये देखो मैंने कौन सी जेब में लिखा हुआ देख के आई लव यू, ये का लिख रखा है मोनू जूली, और ये का है, ये का लिख रखा है पता नहीं क्या भाई किसका, पीछे भी लिखा आई लव यू जान मोनू। कहाँ से लिया अपने नोट ये? ये इनकी पर्स की ना जेब में से निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं नोट पुराना। और 1 रुपए का एक और निकला देखो, ये वाला, ये सेम ही है, बस इस पे कुछ नहीं लिखा, जंग लगा हुआ है नोट के ऊपर। ये तो 86 का है, ये वाला 1986। आपको क्या पैदा है? 92 जेब में से पैदा होने, तब से पहले के नोट रख रखे हैं, सड़क से उठा रखे हैं। ये कब का है? 85 का, 1 साल पहले का है, 86 और 85 है तो सेम भाई। ये नोट बड़ा मस्त है, यहाँ के गांव को ना मेरे को एक कोट मिला दीवार पे, ये देखो ये पढ़ लेना देखो, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, कचोलिया गांव किसी लंदन से कम नहीं। तालियां तो बजनी चाहिए इस टाइम पे। भाई हम तीनों ने अभी जैकेट पहन ली क्योंकि गांव में ना बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, शाम के टाइम मतलब सूरज ढलते रहता ना तो ठंड बढ़ रही है। भाई मैंने गाँव में ना ये लिया 1 रुपए का फूकना कहते हैं उसको, मिर्ची लगी हुई उसके ऊपर, खाने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है, मजा आ रहा है। ये लो पटा, ये अच्छा है, टेस्ट में तो अच्छा है। क्या था अरे मिर्ची नहीं है, नहीं। अरे खा ले, है मजेदार, मिर्ची तो नहीं है इसमें, दिख रहा है सामने मिर्ची है लेकिन मिर्ची है नहीं, सिला हुआ है। हाँ। मजा तो लग रहा है लेकिन। दोपहर के आए थे हम, और क्या टाइम हो रहा है मंच पे, टाइम पता नहीं, पूरी घड़ी में क्या हो गया, 6 बज गए, देखो कितना अंधेरा हो गया। और अभी तक बारात नहीं आई है। और गांव वाले के स्टेप और गांव वाले की एनर्जी भाई अलग है, डांसिंग में कोई मुकाबला दे सकता उनको? सुबह से रात तक नचाते रहो, गाना चलना चाहिए, डीजे एक बार चालू हो गया नाचते रहेंगे। ये तो है वो भाई डीजे ना, अभी देखो यहाँ भी खड़ा है, देखो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये बिल्कुल ये सामने खड़ा है टेम्पो, ये खड़ा है, ये दिख रहा है, ये रहा, ये यहाँ पे खड़ा है अभी, अब यहाँ से वापस आएगी बारात, यहाँ से नाश्ता लेके जाएगा ये अंदर तक, हम तो काफी दूर आ गए पैदल चल चल के, और यहाँ से अभी तक वापस और नाचेंगे, सुबह से 2 बारी नाच चुके हैं, अभी तीसरी चौथी बार और नाचेंगे अभी। भाई बारात तो अभी आई नहीं, लेकिन हम लोग ना यहाँ पे खाना खाने के पहले बैठ गए, मैं छोटे वाला मयंक, विकास भाई बैठा है, हिमांशु भैया, बड़ा मयंक कहाँ गया वो रहा पीछे। लो भाई आ गई अपनी पत्तल, इसमें मिलेगा खाना भी। लो भाई अपना आ गया खाना, ये बनी पूड़ी, ये है पकौड़े, ये काजू कतली, आलू गोभी की सब्जी, और ये है आलू की सब्जी। भाई बुआ जी ना हेमा मालिनी बनी हुई है, जूड़े के अंदर गुलाब लगा के आई है, असली है ये? अरे नकली है तो। क्यों लगाया आपने ये भी तो बता दो एक बारी। ऐसे लगाया ऐसी हवाबाजी के लिए हवाबाजी। भाई बुआ जी मिल गए, काफी देर से कहाँ घूम रहे थे आप, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको।
अरे मैं इधर ही तो थी। कहाँ ढूंढ रहे अब ये बुआ जी, मेरे ख्याल से प्रोग्राम में भेजी थी, लेकिन साड़ी तो सुंदर लग रही है आपकी। अच्छा, अरे बहुत सुंदर लग रही है। चल भाई खाना खा लिया और फिलहाल हम जा रहे हैं वापस घर, और आज रुकेंगे हम बड़ी बुआ जी घर पे, क्योंकि कल का दिन हमारे पास फ्री है मंगलवार, फिर उसके बाद हम निकलेंगे सुबह बुधवार को। फिर रात को हम पहुंच गए वापस अपने गाँव। भाई क्या हो गया, क्यों पैर छू रहा तू मेरे, कौन है तू? भाई सुबह बड़ा मैंग दिखा दिया था हमने, और ये रहा ये छोटा ही मानसू, और ये रहा हमारा बड़ा ही मानसू। बड़ा तो कितना बड़ा हो गया मानसू। चलो बड़ा जी जा रहे हैं। चलो ठीक है, ओके चलो आ जाना टाइम से, आ जाना फिर। कब तक आज, कितने दिन में आ जाओगे? ठीक है तो स्कूटी तो है नहीं, फिर जाओगे कहाँ से? अरे किसी से मंगवा लेंगे स्कूटी, ले लेंगे किसी। चलो ठीक है, परसों ही जाएंगे, साथ ही निकल जाना। अरे थोड़ा काम एक दो दिन देखेंगे, घूम फिरेंगे यार, तो काम आप है, दो एक दिन साफ सफाई कर दूंगा चार तरफ, वो तो जाऊंगा धोरावाला जाऊंगा, मैं मामा मामा से मिल जाऊंगा। अच्छा, हाँ फिर शिमला जाके आऊंगा, क्या नाम एयरपोर्ट, वहाँ भी लेके आऊंगा। सबसे मिला हुआ है क्या? अरे अपना तो मिल गया, क्या कर रहे हो? फिर ये भी है, दो दिन उनके बाहर रुकूंगा, फिर हाँ। एक दिन कृष्णा के बाहर रुकूंगा। सही है, तो घूमते फिर घूम फिर क्या हुआ बिल्कुल। चलो भाई हम लोग जा रहे हैं, बड़े बजे आ गए कुछ दिन बाद, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भी बड़ी बोझी घर। क्या गए घर, निकालते सामान फटाफट से, चलते हैं ऊपर। इस व्लॉग को एंड करता हूं, आई होप पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 कर दो बाय।